हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा चीकू का पेड़ है। तो इस साल तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई है और अब इसमें काफ़ी चीकू पकने लगे हैं। तो देखिए, इसमें आज हम चीकू की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें जो चीकू थोड़ा सा नरम लग रहा है, जैसे हाथ से दबा के देखने पर लग रहा है कि वो दब रहा है, तो वो वाले चीकू हमने तोड़े हैं। चीकू के पेड़ में सारी डालियों में ही बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई है और ये फल भी पिछले साल से बड़े साइज के फल इसमें आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली डाली है, इसमें भी दोनों तरफ एक एक चीकू लगा हुआ है। तो आज हवा भी काफ़ी तेज चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने इतने चीकू हार्वेस्ट करे हैं। तो फ्रेंड्स, हाथ से दबा के देखने पर ये चीकू नरम लग रहे हैं। देखिए, तो इस तरह से हमने ये सारे चीकू तोड़ लिए हैं और अब इन्हें हम पेपर में लपेट करके किसी बंद डब्बे में 2 दिन के लिए रख देंगे। तो करीब 1-2 दिन तक पेपर में लपेटा रहने पर ये और अच्छे से पक जाएंगे, तब ये खाने के लिए हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड, ये हमारा कलमी आम का पेड़ है। देखिए, इसमें से कुछ आम तो बंदर आए थे, वो उन्होंने खा लिए, और जो बचे हैं वो देखिए आप, अब आम पक रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ से पीला होना शुरू हो रहा है आम, और वहाँ पर भी एक आम लगा हुआ है। देखिए, काफ़ी ऊपर है लगा हुआ, और एक आम वहाँ पर भी लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे कुछ और आम के पेड़ हैं। पर देखिए, ये केसर आम है। इसमें देखिए, इस आम के पौधे में ये वाला आम है। देखिए आप, इस आम के पौधे में एक आम लगा है, ये फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूटिंग हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये आम का साइज काफ़ी अच्छा है, बड़े आम लगा है इसमें। और इसी के साथ हमारा एक और आम का पौधा है। देखिए, इस बार भी इसमें 2 आम लगे हैं और ये आम पकना भी शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, आम भी कई तरह के डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, क्योंकि देखिए ये छोटे साइज़ का आम है, बट ये देखिए, ये वाला आम गोल साइज़ का है, और वही मैंने आपको जो अभी आम बताया, ये देखिए, यह काफ़ी बड़ा आम है और लंबे साइज़ का ये आम है। और यहाँ पर हमारे कुछ और आम के पौधे हैं, तो इनमें इस साल अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है। और हमारा एक बड़ा आम का पौधा था, वो दशहरी आम का पौधा था, तो उसमें पिछले साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, और इस साल अभी उसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है। और ये कुछ थाई आम के पौधे हैं, और यहाँ पर हमारे जामफल के पौधे हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे जामफल के पौधे में पहले तो काफ़ी सारे जामफल आए थे, पूरा ही पौधा छोटे छोटे जामफलों से और फूलों से भर गया था। तो तेज़ गर्मी के कारण काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारे जामफल इसमें से झड़ गए, और जो बचे हुए हैं वो कुछ जामफल हमारे पौधे में लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, गर्मी के कारण पौधे के पत्ते भी झुलस रहे हैं। तो गर्मी इतनी तेज़ है कि हमें हमारे पौधों को बचाना ही एक चुनौती है, कि हम हमारे पौधों को बचा सकें, ताकि जब बारिश का सीज़न आए तो उनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो।